नमस्कार, ये बीए थर्ड ईयर जय नारायण व्यास इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन पोइट्री फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोएम जो कि वर्ड्सवर्थ की स्टोलन बोट है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले जब हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं तो हमको उस पीरियड के बारे में जानना पड़ता है, एंड इट वॉज़ द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म 1798 to 1850। रोमांटिक पीरियड के अंदर बहुत सारी मिस्ट्री, खूब सारा नेचर, ह्यूमैनिटी, इमेजिनेशन, सिंपल सी जिंदगी, आम जिंदगी के बारे में सारी पोएम्स हैं। इन पोएम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ओल्डर पोएट्स थे जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी और स्कॉट, और लेटर पोएट्स थे जिसमें बायरन, शेली और रॉजर्स थे। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने एक बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है जो कहते हैं, लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनअफेक्टेड इन नेचर एंड इन मैन एंड बी फ्री टू फॉलो इट्स ओन फैंसी इन इट्स ओन वे। इसका मतलब लिटरेचर एक बहुत ही स्वाभाविक तरीका है जिसमें नेचर या प्रकृति से इंसान इंस्पायर होता है और उसके बारे में अपने हिसाब से बहुत फ्री तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इनका पोइटिक डेवलपमेंट जो था वो नेचर के बीच में हुआ, प्रकृति के बीच में हुआ। उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय अकेले पहाड़ों में, जंगलों में, वादियों में बिताया, जहाँ से शायद उनको इन कविताओं को लिखने का इंस्पिरेशन मिला। जो उनकी पोइटिक डेवलपमेंट है, स्पेशली जो कि उनको वादियों से और पहाड़ों से मिला, उसका पूरा वर्णन उन्होंने बुक वन प्रिल्यूड में किया है, जिसमें से आपका आप एक एक्सट्रैक्ट द स्टोलन बोर्ड इस थर्ड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर उन्होंने अपने बचपन की सारी फीलिंग्स, बचपन के एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। दूसरा स्टेज उनका था जब उनको प्रकृति के बारे में इतना ज़्यादा प्यार हुआ कि बिल्कुल एक पैशन ऐसा आया कि उन्होंने उस प्रकृति के बारे में बहुत नज़दीक से जाना। ये नज़दीकियाँ उनकी सारी कविताओं में हमको बखूबी नज़र आती हैं। तीसरा स्टेज था जब उन्हें दर्द और लॉस, सफरिंग, सोरो का एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली जब वो फ्रांस में थे। इससे उनकी कविताओं में एक सोब्रिटी, यानी एक जिसको कहते हैं सोबर कलरिंग, जो है उनकी पोइट्री में आई। चौथा स्टेज उनका था जो कि उनके सोल का डेवलपमेंट था, यानी आत्मा का डेवलपमेंट। इस समय उनकी जो कविता थी वो बहुत रिफ्लेक्टिव, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल हो गई। इस स्लाइड में हम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। पहली विशेषता है इमेजिनेशन। हिज पोइट्री इज़ अ रिवलेशन ऑफ अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनकॉमननेस इन द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। यानी वर्ड्सवर्थ की कविताओं में एक रहस्य उद्घाटन है, एक मिस्ट्री है, और साधारण से हटकर नेचर के ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कशन है, कविताएं हैं, वर्ड्स हैं, बहुत सारा इमेजिनेशन है। इस इमेजिनेशन के बेसिस पे ही कवि ने अपने बचपन को पूरा रिकॉल किया है, याद किया है, और उसके बारे में आपकी प्रिस्क्राइब्ड कविता द प्रिल्यूड में लिखा है। सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में है नेचर। वर्ड्सवर्थ जो हैं और नेचर दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। वो एक लवर ऑफ नेचर थे, रिप्रेजेंटेड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ एम्बॉडीड इन नेचर। अब इस सेंटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो जो प्रकृति के अंदर जो सुंदरता है उसके तरह तरह के एस्पेक्ट्स को वो
अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते थे। ऐसी चीज़ें जो कि शायद हम नोटिस भी नहीं करते, वो ज़रूर उसके बारे में बात करते थे। और एक उनके कविताओं में सच्चाई, ट्रूथ होती थी, जो कि हम अगर ध्यान से पढ़ें, समझें, तो हमें लगता था कि हाँ वाकई ये जो है इसमें सच्चाई है। थर्ड चीज़ जो हम बात करते हैं वो मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब एक किसी तरह का रहस्य। वर्ड्सवर्थ्स बिलीव इज दैट इन एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिविंग गॉड। द कॉमनेस्ट थिंग्स इन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर सिम्बल्स ऑफ इटर्निटी। उनका ये बिलीव था वर्ड्सवर्थ का कि हर नेचुरल ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप है। वो फूल, पत्ती, घास, पत्थर, पानी, हर चीज़ में ईश्वर को महसूस करते थे। द कॉमनेस्ट थिंग इन नेचर, सबसे कॉमन चीज़ नेचर में क्या होती है? पत्तियाँ, फूल, जल, धरती, ये जो सारी कॉमन चीज़ थी, उन सब में एक वो ह्यूमन लाइफ को ढूंढते थे, ह्यूमन लाइफ के सिंबल्स को ढूंढते थे। ऐसे सिंबल्स जो कि इटर्नल होते थे, इटर्निटी, इटर्निटी यानी जो कभी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोइटिक आर्ट। वर्ड्सवर्थ की पोइटिक आर्ट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ही वॉज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंटर। बोल्ड एक्सपेरिमेंटर यानी वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे और इस बात के लिए नहीं घबराते थे कि ये जो है ये मेरे को पढ़ने वाले, मेरे जो ऑडियंस हैं, इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, उससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। द फॉर्म्स ही अडॉप्टेड वर लिरिक, बैलेड, सोनेट एंड द नैरेटिव। इस तरह के ये चार फॉर्म्स ही उन्होंने ज़्यादातर इस्तेमाल करे हैं, लिरिक, बैलेड, सोनेट और नैरेटिव। आप जो पढ़ रहे हैं वो हम एक लिरिक कर रहे हैं और नैरेटिव भी है वो। सोनेट्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वर्ड्सवर्थ के। उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत लिरिक्स जो हैं वो रूरल लाइफ यानी गांव के परिवेश को, गांव के बैकग्राउंड के बारे में लिखे हैं। और ये जो प्रिल्यूड है इसके अंदर भी मेजर जो एरिया है, दैट इज़ वो गांव है, रूरल लाइफ है, और इसके अंदर कहीं पे भी आपको सिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिखेगा। और हमको वो बिल्कुल अजीब नहीं लगता क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा उस पर ट्रस्ट होता है और हम इन फॉर्म्स को बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। ये वर्ड्सवर्थ की पोइटिक आर्ट की ब्यूटी थी। ये स्लाइड जो टेक्स्ट पोएम आपके प्रिस्क्राइब्ड द स्टोलन बोट, उसका इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन को एक डेफिनेशन से हमने शुरू किया है, डेफिनेशन सुनिए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब है कि कविता जो है एक बहुत स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक ओवरफ्लो होता है, और वो इमोशंस जब हम शांति से बैठे होते हैं, ट्रैंक्विलिटी, शांति से बैठे होते हैं, उस समय हम वापस रिकलेक्ट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और फिर हम उनको शब्दों में लिखते हैं। ये जो एपिसोड है स्टोलन बोर्ड, ये बुक वन से लिया गया है और ओरिजिनल किताब का नाम है द प्रिल्यूड। ये कहानी है एक कवि के माइंड के ग्रोथ की, और कोलरिज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने इंस्पायर किया था इस कविता को लिखने के लिए। प्रिल्यूड के दो वर्जन हैं, एक 1805 और दूसरा 1850। पहले वर्जन में 13 किताबें हैं और दूसरे वर्जन में 14 किताबें हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ये कवि के शुरू के 28 सालों के ऊपर केंद्रित है। इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। स्टोलन बोट का जो एपिसोड है, ये एक सडन रेवोल्यूशन हुआ कवि को, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे बचपन में जैसे हर बच्चा उद्यम करता है, मज़े करता है, मस्ती करता है, वो भी करते थे, और उस समय उन्होंने एक नाव बंधी हुई देखी। उस नाव को उन्होंने बिना किसी से पूछे उस नाव को चलाया, यानी उन्होंने उसको चुराया और एक लेक के ऊपर रात को, इट वॉज़ मून लिट,
उसके ऊपर उन्होंने उस नाव को लेकर चले गए। उसमें उनको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, लेकिन तभी सामने से उन्होंने देखा अ ह्यूज माउंटेन, यानी एक बहुत बड़ा सा पहाड़ सडनली उनकी तरफ आ रहा है। उसको देख के वो इतने डिस्टर्ब हो गए, इतने घबरा गए कि वो तुरंत वापस अपनी उस नाव को जगह पे छोड़कर और घर की ओर भागे। जब वो घर पहुँचे तब उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया। आप इस बात को समझिए, वो एक बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन तब भी उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत काम किया, और वो इस बात को मानते हैं कि उनकी गलती को नेचर ने, प्रकृति ने अपने ही ढंग से सुधारा। यानी उन्होंने जो चोरी करी थी नाव की, वो गलत काम था, और नेचर ने एक पहाड़ के रूप में उनको इस बात के लिए डराया और उस चीज़ को वो समझ पाए। ये हमको समझना पड़ेगा कि एक छोटे बच्चे के अंदर इतनी सेंसिबिलिटी थी कि वो इस बात को समझ पाया, और वो मानते हैं कि इसी तरह से उनका मॉरल बीइंग जो था वो डेवलप हुआ। ये जो इंसिडेंट है, जिसके बारे में बाद में बहुत रिसर्च की गई और ये पता चला कि वो वाकई एक लेक है जिसका नाम है अल्स वाटर, और वहाँ पे शायद ये लोकेशन था, और वो जो क्लिफ, वो माउंटेन जो उन्होंने देखा था, वो सेंट संडेज क्रैग के नाम से था। इस स्लाइड में आपकी पूरी पोएम द स्टोलन बोट दी गई है। हम इसको लाइन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। वन समर इवनिंग लेड बाई हर, लेड बाई हर मीन्स नेचर, आई फाउंड अ लिटिल बोट, लिटिल बोट छोटी सी नाव, टाइड टू अ विलो ट्री, विलो एक पेड़ का नाम है, within a rocky cove, cove मतलब cave, its usual home, यानी एक नाव जो कि एक willow tree के पास बंधी हुई थी। Straight I unloosened the chain and stepped in, pushed from the shore, मैंने तुरंत उसकी रस्सी खोली और उसके ऊपर बैठ के और पानी के बीच में चला गया। It was act of stealth, stealth यानी ये मैंने गलत काम किया, चोरी का काम किया, and troubled pleasure, लेकिन उसमें मुझे एक बहुत आनंद मिला, आनंद troubled था, यानी अंदर कहीं ना कहीं एक कोई टीस थी। Nor without the voice of mountain echoes did my boat move on, और मैं उस नाव पे बैठ के आराम से चलता गया, लेकिन कानों में मुझे एक अजीब सा echo सुनाई दे रहा था जो कि पहाड़ों से आ रहा था। Leaving behind us still on either side small circles glittering idly in the moon, जब नाव आगे बढ़ गई थी, रात का समय था, मून लाइट जो थी, मून की रोशनी जो थी वो पानी में पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था नाव के दोनों तरफ दो लाइन बन रही है। Until they melted into one track of sparkling light, और फिर ये दोनों लाइन मिलकर एक हो गई, उसके ऊपर पानी और चांद की रोशनी पड़ने से ऐसे लग रहा था जैसे वो स्पार्कल कर रही है, चमक रही है। But now like one who rose proud of his skill to reach a chosen point with an unswerving line, लेकिन अब कवि कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद आने लगा और मेरे को थोड़ा घमंड हुआ कि मैं कितनी अच्छी नाव चला रहा हूँ, तो मैंने अपनी जो लक्ष्य था वो दूर निश्चित किया कि वहाँ तक मुझे जाना है। और क्या लक्ष्य था? I fixed my view upon the summit of a craggy ridge. Ridge यानी एक पहाड़ का थोड़ा किनारा सा दिख रहा था, वहाँ पे मैंने अपना लक्ष्य फिक्स किया। The horizon's utmost boundary, और दूर से मुझे horizon की बाउंड्री नज़र आ रही थी। Far above was nothing but the stars and the grey sky, और ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ बादल और तारे। She was an elfin pinnacle, elfin pinnacle यानी वो एक फेरी बन गई थी, परी बन गई थी, इसको हम सिमिली कहते हैं। शी वॉज एन एल्फन पिनिकल, जो नाव थी उसका कंपैरिजन किया जा रहा है एक परी से, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं सिमिली। लस्टली आई डिप्ड माय ओर्स इनटू द साइलेंट लेक, लस्टली यानी पूरी एनर्जी के साथ मैंने अपने ओर, अपने पतवार उस पानी में चलाने शुरू करे। एंड एज आई रोज अपॉन द स्ट्रोक माई बोट वेंट हीविंग थ्रू द वॉटर लाइक अ स्वैन, अवर्ड्स वर्ड चूँकि छोटे थे तो हर बार जब पतवार नीचे से ऊपर आती थी तो उनको खड़े होना पड़ता था। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है,
और यहाँ पे उन्होंने एक दूसरी सिमिली का उपयोग किया है, दैट इज स्वैन, हंस। यानी अब वो जो बोट थी वो एक स्वैन जैसी लगने लगी थी, स्वैन जैसी ग्रेसफुल, और उतनी ग्रेस के साथ वो उस पानी में चल रही थी। When from behind that craggy steep, till then the horizons bound, a huge peak, black and huge, as if with voluntary power, instinct, upreared its head suddenly. एकदम ये जो प्लेजर था, ये जो खुशी थी, आनंद था, ये बदल गया, क्योंकि वो रिज जिसके ऊपर वज़वज़ ने नज़रें गड़ाई हुई थी, यहाँ तक मुझे जाना है, उसके पीछे से सडनली एक बहुत बड़ा काला सा पहाड़ नज़र आया। ऐसा लगा जैसे उस पहाड़ के अंदर कोई जीव है, वो जिंदा है। वज़वज़ घबरा गए। आई स्ट्रक एंड स्ट्रक अगेन, यानी अब जल्दी जल्दी नाव चलाने लगे। एंड ग्रोइंग स्टिल इन स्टेचर द ग्रिम शेप towered up between me and the stars. अब वो पहाड़ जो था उसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और वो तारों के और वर्ड्सवर्थ के बीच में आकर खड़ा हो गया, यानी उसको पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, आकाश भी नज़र नहीं आ रहा था। एंड स्टिल फॉर सो इट सीम्ड विद अ पर्पस ऑफ इट्स ओन एंड मेजर्ड मोशन लाइक अ लिविंग बींग। अब वो पहाड़ जो कि इनएनिमेट चीज़ है, जिसमें जान नहीं होती, ऐसा लग रहा था उस पहाड़ में जान आ गई है और वो एक लिविंग थिंग बन गया है, और वो धीमे धीमे वज़वज़ की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रोड आफ्टर मी। विथ ट्रेमलिंग ओर्स आई टर्न, अब वज़वज़ के हाथ कांपने लगे। अब ये ट्रेमलिंग ओर्स यानी ओर यानी पतवार ट्रेम्बल नहीं कर रही थी। ये क्या ट्रेम्बल कर रहा था, क्या कांप रहा था, वज़वज़ का हाथ। इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब एक आइडिया जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो क्या ट्रांसफ़र हुआ, ये जो कपकपी थी, ये जो डर था वज़वज़ का, वो और उस पतवार में नज़र आने लगा और वो जोर से पतवार कांपने लगा। आई टर्न एंड थ्रू द साइलेंट वाटर स्टोल माई वे, अब वज़वज़ ने तुरंत अपनी नाव घुमाई। स्टोल माई वे यानी चोरी चोरी में वापस डर के मारे वहाँ से निकल गया। बैक टू द कवर्ट ऑफ द विलो ट्री, और वो जगह जहाँ पे इस नाव को पहले ही बांधा हुआ था वहाँ जाके चुपचाप मैंने नाव वापस बांध दी। देयर इन अ मूरिंग प्लेस आई लेफ्ट माई बार्क, जो उस नाव की जगह थी उस जगह पे मैंने उस नाव को वापस बांध दिया। एंड थ्रू द मेडोज होमवर्ड वेंट इन ग्रेव एंड सीरियस मूड, फिर वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन मेरा मूड बदल गया था। जब शुरू में आए थे वो बच्चा वज़वज़ एज अ चाइल्ड बहुत खुश था, हैप्पी था, अब वो बहुत सीरियस मूड में हो गया था और ग्रेव यानी बहुत गंभीर। बट आफ्टर आई हैड सीन दैट स्पेक्टिकल फॉर मेनी डेज माई ब्रेन वर्कड विद अ डिम एंड अनडिटर्मिंड सेंस ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग, अब ये जो एक्सपीरियंस था, डर का जो अनुभव था, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये स्पेक्टिकल फॉर मेनी डेज यानी बहुत दिनों तक उसके दिमाग में चलता रहा। माई ब्रेन वर्क विद डिम एंड अनडिटर्मिंड सेंस, मेरा ब्रेन भी था वो थोड़ा डल हो गया, सारी चीज़ों को समझना जैसे कि कम हो गया, और हर समय एक अजीब सी अंदेशा मेरे मन में रहता था ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग, अननेचुरल चीज़ों की डर मेरे मन में रहने लगा। ओवर माई थाट्स देयर हंगर डार्कनेस, और वज़वज़ जो कि बहुत खुश मिजाज और हैप्पी चाइल्ड था, उसके थॉट्स में, उसके विचारों में एक अजीब सी गहराई डार्कनेस आ गई। डार्कनेस यानी उसको कुछ रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। कॉल इट सॉलिट्यूड और ब्लैंक डिजर्शन, अब इस डार्कनेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक उसको उन्होंने बोला सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, और दूसरा डेजर्शन, डेजर्शन यानी बिल्कुल जैसे किसी ने एकदम एक तरफ अकेला छोड़ दिया है। नो फेमिलियर शेप्स रिमेन, उनके मन में कोई भी फेमिलियर चीज़ें नहीं थी जो कि रोज़ में उनको आनंद देती थी, कुछ नज़र नहीं आ रही थी। नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों को देख के, नेचर को देख के जो वज़वज़ इतने खुश हो जाते थे वो उनको कहीं नहीं दिख रहा था। ऑफ सी और स्काई, न समुद्र या नदी को देख के वो खुशी थी, न आकाश को देख के खुशी थी। नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड्स में जो ब्यूटिफुल ग्रीन कलर्स होते हैं उससे भी कोई आनंद नहीं मिल रहा था। बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, यानी दिमाग में क्या घूम रहा था, ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, जो कि उस पहाड़ के माध्यम से उनके दिमाग में आया था। हर चीज़ क्या दिख रही थी, कोई बड़ी बड़ी आकृति, काली, ह्यूज, बड़ी उनकी तरफ आ रही है।
दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। अब वर्ड्सवर्थ बच्चे थे लेकिन बेवकूफ नहीं थे, उनको पता था ये चीज़ जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में इस बात का डर था, और ये जो डर था मूव्ड स्लोली थ्रू द माइंड, उनके मन में धीरे धीरे बढ़ रहा था बाय डे, दिन में भी, एंड वर अ ट्रबल टू माई ड्रीम्स, और रात में सोते समय भी उनको इसका डर लगता था। यानी वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि नेचर ने उनको बहुत सिखाया, नेचर ने उन्होंने जब भी कोई गलत काम किया किसी न किसी फॉर्म में उनको इस बात को सिखाया कि तुमने गलत काम किया। अब वर्ड्सवर्थ ने क्या गलत काम किया, वर्ड्सवर्थ ने वो नाव चुराई, बिना इजाज़त लिए उस नाव पे वो चला, लेकिन नेचर ने उस पहाड़ के माध्यम से उनको इस बात को समझाया कि तुमने गलत काम किया है, और बहुत दिनों तक उनके दिमाग में ये घूमता रहा और शायद ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत काम किया। इसी तरह से प्रिल्यूड में छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिए गए हैं जिससे वर्ड्सवर्थ अपने बचपन में ये जो उन्होंने नेचर के द्वारा सीखा, जब भी उन्होंने कोई गलत काम किया नेचर के द्वारा सीखा और उसके बारे में वर्णन किया।